अगर आप अपने मोबाइल से अपने YouTube पे सर्च करते हो लोपी सॉन्ग्स, तो आप देख सकते हो आपके सामने बहुत ज्यादा सॉन्ग्स आएंगी। सॉन्ग्स को छोड़ो, इन पे आप व्यूज देखो भाई, कितने ज्यादा व्यूज आते हैं। हर सॉन्ग्स पे आपको मिलियंस ऑफ व्यूज देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपनी मोबाइल की मदद से फ्री में अच्छी हासी लोपी सॉन्ग्स कैसे बना सकते हो, जिस पे आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, क्योंकि वो सॉन्ग खुद आप अपने मोबाइल से क्रिएट करोगे, वो आपका अपना ही कंटेंट होगा। आप जहाँ चाहो इसको अपलोड करो, जहाँ चाहो आप इसको शेयर कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका खुद का कंटेंट है और आप इसको खुद बनाओगे। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपने लोपी सॉन्ग्स किस तरीके से बना सकते हो। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग लोपी सॉन्ग सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत ज्यादा वीडियोज आएंगे, लेकिन इन वीडियोज को आपने नहीं छेड़ना, मतलब आपने के व्यूज को देखने भाई, कि हर एक वीडियो पे आपको मिलियंस आप व्यूज देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखो 11 मिलियन व्यूज, 2 months ago 1.6 million views, 6 days ago 6.2 million views, 11 month ago, मतलब ये 3 month पहले ये वीडियो अपलोड हुई है, ये तो ऑफिशियल चैनल है, 293 million views। लेकिन देख सकते हो लोपी सॉन्ग्स, ये मतलब आप जैसे मेरे जैसे बंदे अपने चैनल क्रिएट करते हैं और ये सॉन्ग खुद बनाते हैं, तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। उसमें कोई इशू नहीं है भाई, आपको कोई कॉपीराइट का सीन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे ही वीडियो बनानी है, तो ट्रेंडिंग सॉन्ग सिंपल आपने अपने गूगल पे जाके सर्च करना है, इंडिया के रिलेटेड या पाकिस्तान के रिलेटेड, जिस कंट्री से आप हो, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स इन इंडिया। तो आप अगर अपने कंट्री के लिहाज से सर्च करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो, या आप चाहते हो कि जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग सॉरी वो चाहे इंग्लिश का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे हिंदी का हो, मराठी, जिसका भी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ गूगल पे इसको सर्च करना है। गूगल आपको लिस्ट दे देगा, सबसे टॉप पे या टॉप 10 में जो सॉन्ग्स आते हैं, पहले आपने यूट्यूब पे उनको सर्च करने और देखने कि ये सच में 1 नंबर पे रैंक हो रही है, इसके व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करने कि उस सॉन्ग को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, सिंपल आप लोगों ने इसको MP3 में डाउनलोड करना है। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। पहले सॉन्ग को डाउनलोड करना, सॉन्ग डाउनलोड होने के बाद आप लोगों ने काइंड मास्टर में आना है, 16:9 रेशो सेलेक्ट करना है, और आप लोगों ने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लेना है, और इसकी जो लेंथ है आपने अपने सॉन्ग के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। अगर आपका सॉन्ग जो है वो 2 मिनट है तो आपने इसको 2 मिनट करना है, अगर आपकी सॉन्ग की लेंथ जो है वो 4 या 3 मिनट है तो उसके हिसाब से आप इस लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। जैसा आपका सॉन्ग का लेंथ होगा उसके हिसाब से आपको बैकग्राउंड इमेज रखना है। उसके बाद आप लोगों ने म्यूजिक में आ जाने, इधर आप लोगों ने वही सॉन्ग ढूंढना है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया। तो ये देख सकते हो मेरा सॉन्ग ये रहा केसरिया, तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा मतलब इमेज देख रहे हैं आप लोगों ने इसको ट्रिम करना है। अब आपका वीडियो जो है ये अब तक तैयार हो चुके। अब मैं आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने इधर क्या करना है। तो आपका म्यूजिक और आपका जो बैकग्राउंड है ये एक वीडियो के शक्ल में आप लोग इसको एक्सपर्ट कर सकते हैं, जो भी सबसे लो क्वालिटी हो आपने उसमें इसको एक्सपर्ट कर लेना है, ताकि आपका काम जल्दी हो सके। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन है, तो ब्लैक स्क्रीन जितना भी खराब हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपने इस वीडियो को अभी एक्सपर्ट कर लेने, तो जैसे ही आपकी वीडियो एक्सपर्ट हो जाए, ये देख सकते हो मेरे वीडियो आप लोगों के सामने एक्सपर्ट हो रहे, तो इसको एक्सपर्ट होने देते और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आपकी वीडियो एक्सपर्ट हो जाए उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। ये वीडियो एक्सपर्ट हो गई, आप लोगों ने इमेज सर्च मेन में आना है, इधर आप लोगों ने सर्च करने एलोन बॉय, इसको हम बैकग्राउंड में लगाएंगे। सबसे पहले कोई अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज हम लोग देखते हैं जो मतलब बहुत अच्छा लगे, तो ये देख सकते हैं ये भी काफी कूल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डार्क है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, चलो कोई और ढूंढते हैं। तो देख सकते हो इधर आपको बहुत ज्यादा इमेजेस देखने को मिलती है, लेकिन आपने उसी इमेज को डाउनलोड करना है जिसपे कोई कंपनी का वाटरमार्क या लोगो नहीं हो। तो चलो ढूंढते, तो ये भी काफी कूल लग रहा है, तो चलो ढूंढते कोई अच्छा सा इमेज मिल जाए ना, तो हम उस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें से हमें कोई इमेज पसंद नहीं आ रहा, तो जिस जो पसंद आ रहा है उस पर लोगो है, जो पसंद नहीं आ रहा वो थोड़ा मतलब अकवर्ड है, तो चलो ढूंढते हैं, कोई मसला नहीं है, मिल जाएगा। इधर बहुत ज़्यादा इमेजेस आपको देखने को मिलती है, तो चलो ये इमेज थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम लोग किधर गए रहा, तो इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड करना है।
उसके बाद दोबारा आप लोगों ने काइन मास्टर में आने और इस इमेज को आप लोगों ने एक्सपर्ट कर लेना है अपने बैकग्राउंड में। तो देख सकते हैं इसका ये डार्क जो एरिया है हम इसको हटाएंगे कैसे, इसी तरीके से पिन एंड जूम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा जूम करते हैं। देख सकते हो अब इसको हम इक्वल करते हैं ताकि लास्ट तक ऐसे ही रहे। तो हमारा इमेज जो है अपसेट हो गया, लेकिन इसकी लेंथ कम है तो हमने क्या करना है, अपने म्यूजिक के हिसाब से सेम जो वीडियो हमने एक्सपर्ट की थी इसका लेंथ भी उसी तरीके से हमने एडजस्ट करना है। तो 3 मिनट के आसपास थी, तो चलो ये लेंथ हमारा ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब भी आप लोगों ने इस लेयर पे क्लिक करके उसी वीडियो को डाउनलोड करने और जो एक्स्ट्रा इसका जो इमेज है बैकग्राउंड इसको हम ट्रिम करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा वीडियो अभी बन चुका है। अब आपने क्या करना है, जो वीडियो हम लोगों ने अभी एड किया इसको आप लोग क्लिक करोगे और ब्लेंडिंग का ऑप्शन आप लोगों ने ऑन करना और इसको स्क्रीन पे करना, इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना। तो देख सकते हो हमारा जो सॉन्ग था वो प्ले होगा लेकिन वो बैक पे चला गया। इसके बाद अभी आप लोगों ने थोड़ी और सेटिंग करनी है और आपका जो म्यूजिक है वो बन जाएगा। तो इधर ऑडियो में आप लोगों ने आ जाने, म्यूजिक में आपने इसको थोड़ा आगे पीछे करने अपने हिसाब से ताकि आपका ये सॉन्ग ऐसा लगे कि ये अब आप लोगों को एक कॉम्बो बना के देगा। तो आप देख सकते हो आपका सॉन्ग जो होगा वो आपका अपना ही होगा। मैं इसको प्ले करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आप लोगों ने इधर आ जाने, आप लोगों ने इसको EQ पे ऑप्शन पे क्लिक करने और इधर आप लोगों ने इसको सिंपल सा ये किधर गया बेस, तो सॉरी आप लोगों ने इधर ढूंढना है बेस बूस्टर ताकि आपका जो सॉन्ग हो बेस उस पर ज्यादा लागू हो जाए ताकि उसको बूस्ट मिल सके। तो आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। लास्ट इसका जो एक ऑप्शन है आप लोगों ने इसको क्या करना है, ये किधर रिवर्ब, आप लोगों ने रिवर्ब पे क्लिक करना है और इधर आप लोगों ने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। मैं देखता हूँ तो इधर आप लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक पिच का ऑप्शन देखने को मिलता है। इधर गए ऑप्शन हम ढूंढते हैं तो ये स्पेस है, सॉरी पिच नहीं है। तो आप लोगों ने इसको स्पेस पे इसी तरीके से क्लिक करके आप लोगों ने इस वीडियो को एडजस्ट कर लें। अभी तक जो वीडियो है हमारा ये साउंड सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉन्ग हम लोगों ने डाउनलोड किया उसका जो हेडलाइन होता है हम लोग उसको इधर लिख देंगे। इसी तरीके से केसरिया मेरा सॉन्ग का जो हेडलाइन था वो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से अपने सॉन्ग के जो हेडलाइन है इसको इधर लिख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप लोग इसके पॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं, एनिमेशन भी दे सकते हो। तो चलो पॉन्ट को इसको इधर एडजस्ट करते हैं और पॉन्ट को चेंज करते हैं जो भी अच्छा पॉन्ट। तो ये सिंपल पॉन्ट में रख लेता हूँ, इधर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, जो आप चाहो यूज कर सकते हो, उस पर कोई मसला नहीं आएगा। इसी तरीके से आपने अपने हेडलाइन को एडजस्ट करना है। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो लेंथ है आपने अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, लास्ट तक आपने इसको लेके जाना है ताकि हमारी वीडियो पूरी मतलब जैसे स्टार्ट से एंड तक ये जो हमारा वीडियो का हेडलाइन है ये इस पर बना रहे। तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी आप लोगों ने डुप्लीकेट करना है और जो सेकंड लाइन है इस पर आप लोगों ने डबल क्लिक करके इसको एडिट करना है। तो जो हम लोगों का हेडलाइन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी इधर से मिटाएंगे और हम लिखेंगे स्लो एंड रिवर्ब, मतलब लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये सॉन्ग हमें स्लो एंड रिवर्ब देखने को मिलती है। तो अब इसको इधर हम एडजस्ट करते हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो सबसे बेस्ट आपको लगे आपने उस हिसाब से इसको एडजस्ट करने। आपको पता है कि मैंने हर वीडियो में आपको यही कहा है कि भाई मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपको एक आइडिया देता हूँ, बाकी डिपेंड आप पे करते हैं कि आप इस वीडियो से किस तरह का अपना माइंड बना लेते हो कि आपको जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किसी तरीके से आप डेवलप करते हो, किसी तरीके से आप उसको बनाते हो, वो आपका अपना क्रिएटिविटी है, अपना माइंड है। तो जितना चाहो आप इस पे एफर्ट कर सकते हो, इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हो। अगर समझ आपको ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। 4-5 स्टेप में मैंने आपको क्लियर किया है कि आप एक अच्छी हाजी लोपी सॉन्ग कैसे बना सकते हो, बाकी डिपेंड करता है भाई आप पे कि आप इससे कितना बेस्ट दे सकते हो। ट्राई करो कि अपना सबसे बेस्ट दोगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने एक यूनिक चीज बनाई है। तो आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है और काम चालू करना है। ये वीडियो देख के आप लोग स्किप करोगे, कोई और वीडियो देखो तो कोई फायदा नहीं हुआ। थंबनेल के लिए सिंपल सा आप लोगों ने इमेज सर्च मेन पे आना है, लोपी सॉन्ग्स थंबनेल सर्च करोगे तो आपको एक यूनिक से यूनिक थंबनेल देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने सिंपल इधर से डाउनलोड करना है थंबनेल और अपनी वीडियो में लगा लेना, टैग एंड डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लगाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखना।